Hi guys, this is Komarya Monoj sir from Kota, KCM Kota. So this time we are going to discuss the topic derivative of homogeneous functions, that homogeneous which are implicit, So derivative of homogeneous implicit function is a trick or technique. Okay. हर वो क्वेश्चन जिसमें आपको काफी समय लगता है इसे 4 से 5 सेकंड में 6 सेकंड में बनाने का मंत्र जाने. द क्वेश्चन यू आर डूइंग इन ए पेज यू कैन डू इन लाइन इन सेकंड्स. तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या करेंगे. इसका ट्रिक क्या था प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस क्लास में मैंने क्या देखा था, एक ट्रिक लिखा था ऐसे कंडीशन में कि डी वाई डी एक्स, ये लिखा था अपने हमने डी वाई डी एक्स माइनस this equals to minus del y x del x y. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया, what does it mean, it mean that यहां लिखेंगे differentiation with respect to y x, यहां differentiation with respect to y, तो differentiate partially for x, differentiate partially for y. ऊपर में क्या है x के लिए partially differentiate करना है, denominator में क्या है y के लिए partially differentiate करना है. तो question में लिखता हूं, इसमें से एक तरीका लिखता हूं. Question number one, if x square y cube x plus y whole power 5, ये 2 plus 3 होता है 5, 2 plus 3 5, यहां हो गया 5, x cube y 4, x plus y to the power 7, x to the power 1009, y का power 1011, ये हो गया x plus y to the power 20. Again, x to the power m, y to the power n, x plus y to the power m plus n. ये question 1, 2, 3, 4, ये 4 question लिखा हमने एक pattern का. अगर ये board में आता है तो क्या करते हैं, उसका answer कैसे लिखेंगे. Board में कोई just check the answer, board में ऐसे allow नहीं है. But IIT mains में, अगर JEE mains में question आता है तो within second कैसे निकालेंगे. तो इसके लिए question का सबसे अच्छा तरीका है, ये देखो तो जरा होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं, ये देखेंगे क्या, ये फंक्शन का नेचर होमोजेनियस है. यहाँ पे क्या है 3 है, ये 4 है, ये अपने पास आ गया 7, 1009 है, 1011 है, तो ये अपने पास आ गया क्या 1009 plus 1011 it is 2020. Here m plus n, यहाँ हो गया m plus n. ऐसे क्वेश्चन में सिंपल सा एक तरीका है कि आपके पास क्या डी वाई डी एक्स का जो वैल्यू निकालेंगे आप, डी वाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा वाई अपॉन एक्स, ये आपका आंसर होगा. ये डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका, डायरेक्ट अगर आप देखेंगे तो आपको खुद ही लर्न हो जाएगा, डोंट हैव टू क्रेम, आपको रट्टा नहीं मारने का है, बनाते बनाते प्रैक्टिस में आकर के सीधे आंसर दिखेगा. फिर भी अपने पास ये तरीका था, अगर आप ये भूल गए तो प्रीवियस डे का जो हमने तरीका बताया था, मेथड बताया था, दैट इज मोस्ट एप्लीकेबल वे. इसको हम देखते हैं इस मेथड से कैसे बनाएंगे. आइए जरा इस क्वेश्चन को इस मेथड से बनाया जाए, इस क्वेश्चन को इस मेथड से बनाया जाए. मैं क्वेश्चन एक लिखता हूं यहां पे, क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारे पास x टू द पावर m, y का पावर n, ये अपने पास है x प्लस y टू द पावर m प्लस n. अब इसे बनाने का तरीका उस मेथड से, इस मेथड से बनाने का तरीका कैसे से देखेंगे. कुछ नहीं करने का है, पहले लॉग लगा दो आप, लॉग लगाएंगे तो m log x n log y, ये हो गया आपका m प्लस n log x प्लस y, दिस वन. अब इसको एक तरफ ले आओ, ये हो जाएगा m log x n log y m प्लस n log x प्लस y. कुछ नहीं करने का है, इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू
जीरो। अब आपको उस मेथड से बनाना है, आपको फाइंड करना है डी बाई डी एक्स। तो हाउ कैन यू फाइंड डी बाई डी एक्स? सो हियर डी बाई डी एक्स इज नथिंग, डी एक्स इज व्हाट हियर माइनस डिफरेंशिएट पार्शियली, ओके, न्यूमरेटर में एक्स के रिस्पेक्ट में और डिनोमिनेटर में वाई के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। जस्ट चेक इट बैक, इसे चेक करेंगे, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ एक्स हो गया, इसका हो गया एम, लॉग एक्स का हो गया वन बाई एक्स, ये हो गया आपका एम अपॉन एक्स, कॉन्स्टेंट का जीरो, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो वाई कॉन्स्टेंट हो गया तो उसका हो गया जीरो, इसकी बात करेंगे तो माइनस एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई, अगेन डिनोमिनेटर में करेंगे डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में जब करना है तो फिर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इसका कॉन्स्टेंट का जीरो, ये हो गया एन अपॉन वाई, ओके, माइनस एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई, इसे ठीक करेंगे, बैलेंस करेंगे तो यहाँ से कैंसिल होकर बनेगा वाई अपॉन एक्स, इसे कैलकुलेशन करेंगे एम एक्स प्लस एम वाई माइनस एम एक्स माइनस एन एक्स, तो एम एक्स और एम एक्स कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा ऊपर नीचे से सब कैंसिल होकर वाई अपॉन एक्स, ये आपका आंसर होगा। दिस इज द मोस्ट एप्लीकेबल मेथड, ओके, विच इज यूजफुल फॉर जी मेन्स examinations एज वेल एज IIT एडवांस examinations also. तो इस क्वेश्चन को जो आपको बनाने में लेंदी लगता उसे बहुत ही आसानी से कर लिया। अब इस क्वेश्चन में IIT में टेक्निकली घुमाता कैसे, ये आपके पास कंसेप्ट आ गया, दिस इज द कंसेप्ट यू आर यूजिंग, ये कॉन्सेप्ट जिसे आप यूज करते हैं। अब इससे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट मान लें, फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा ये हमने एक साथ सारा क्वेश्चन देखा। अब मैं इसे ऐसे लिखता हूं, अब इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूं ऐसे आपके लिए कि क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इसे मैं लिखता हूं VSQ बोलते हैं वेरी सिमिलर क्वेश्चन, VSQ मतलब वेरी सिमिलर क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन चला, जो पैटर्न चला, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए इसी से वेरी सिमिलर क्वेश्चंस मैं देता हूं कि उस क्वेश्चन में आप करें कैसे। यही क्वेश्चन हमारे पास ये हो गया जेई मेंस के लिए, जेई मेंस की बात जब करें तो ये फिर क्या हो गया जेई मेंस के लिए, इस क्वेश्चन को जेई मेंस पे कैसे पूछेगा, हाउ द क्वेश्चन विल रेज इन जेई मेंस एग्जामिनेशन, द पैटर्न इज सेम। तो यहाँ किस कुछ नहीं करने का, यहाँ लिखेंगे अपन क्या 2x माइनस 3y टू द पावर 20, हियर x टू द पावर 1008 एंड y टू द पावर 1012। अब जरा देखो तो आपको चाहिए क्या, आपके पास चाहिए dy/dx, ये क्या होगा, तो ऑप्शन में देता हूँ, ऑप्शन हो गया dy/dx का वैल्यू, यहाँ ऑप्शन लिखता हूँ मैं, देन ऑप्शन हो गया माइनस वाई अपॉन एक्स, बी हो गया वाई अपॉन एक्स, सी हो गया आपका 2/3 वाई अपॉन एक्स, डी हो गया आपके पास क्या, डी हो गया 3/2 वाई वाई एक्स, ये आपके पास ऑप्शंस हो गए। अब जरा मुझे आप बताइए कि व्हाट ऑप्शन सूट्स फॉर यू, आपके लिए कौन सा ऑप्शन सूट कर रहा है। अब इसमें देखिए कि ऑप्शन कौन सा सूट कर रहा है। अब इस क्वेश्चन में ऑप्शन की बात आती है तो जा देखें कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन सूट करता है, कैसे इसे बनाएंगे। डॉक्टर साहब इसमें कौन सा ऑप्शन सूट करता है, तो मैक्सिमम बच्चे के दिमाग में रहेगा कि एक्स का ऑप्शन 2 है, वाई का 3 है, आइदर 2/3 और 3/2 वाई बाई एक्स आंसर होगा। No. मैंने भी कहा, लॉजिक सुनेंगे आप, ये होमोजीनियस फंक्शन है, दीज आर होमोजीनियस फंक्शन, एक्स और वाई का कंबाइंड पावर 20 है, तो यहां से जो पावर टोटल देखेंगे तो ये दिस पावर प्लस दिस पावर टोटल पावर इज 20, सो दीज आर नोन एज होमोजीनियस फंक्शन। सो डेरिवेटिव ऑफ होमोजीनियस फंक्शन इज वाई अपॉन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ होमोजीनियस फंक्शन इज वाई अपॉन एक्स, तो कुछ नहीं करना, इसका आंसर हमेशा यही होगा, इट डजंट मैटर व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई, एक्स और वाई का कोएफिशिएंट यहाँ माइनस हो प्लस हो इससे कोई मतलब नहीं होता, फाइनल आंसर इज वाई अपॉन एक्स, ये आपका ट्रिक है। अब जरा फिर से मैं लिखता हूँ VSQ क्वेश्चन नंबर 6, और फिर से हमने लिखा VSQ। अब ये क्वेश्चन IIT एडवांस के लिए हो गया, अगर इस क्वेश्चन को एडवांस में पूछा जाए तो बच्चे क्या करेंगे और बच्चे करते क्या है, बच्चे वहाँ टाइम वेस्ट करेंगे,
इसे बनाएंगे, बन तो जाएगा, बट इट विल टेक एटलीस्ट 8-9 lines, इट विल टेक एटलीस्ट 4-5 minutes, तो आपका टाइम वेस्ट हो गया. दीज आर द वेरी इजियर क्वेश्चन. क्वेश्चन का जो पैटर्न है IIT का, या तो इजी है, एवरेज प्लस है, या मॉडरेट है, या टफ लेवल है. इसको मॉडरेट भी नहीं बोल सकते. ये क्वेश्चन क्या है, ये इजी लेवल क्वेश्चन में है, एवरेज प्लस क्वेश्चन में है. तो एवरेज प्लस क्वेश्चन में अगर आप टाइम लेते हो, तो फिर मॉडरेट क्वेश्चन में और रैंकर्स क्वेश्चन जो लेंदी लेवल क्वेश्चन होते हैं, उसमें क्या करेंगे आप, तो उसमें आपको टाइम बचाना है. सिंपल क्वेश्चन से समय निकाल के अच्छे क्वेश्चन को समय देना, उसे बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. IIT एडवांस में अगर यही क्वेश्चन आता तो आप क्या करेंगे, तो वहां रहेगा क्या, इफ mx प्लस ny अपॉन m प्लस n टू दी पावर 2020 इक्वल्स टू x टू दी पावर 1012 y का पावर 1008. अब इसको मुझे चाहिए क्या, डी वाई डी एक्स चाहिए, डी वाई डी एक्स क्या हो गया. ऑप्शन ए, ऑप्शंस की बात करेंगे. ऑप्शन ए ये हो गया एम अपॉन एन वाई अपॉन एक्स. ऑप्शन बी एन अपॉन एम वाई अपॉन एक्स. ऑप्शन सी माइनस एम अपॉन एन एम अपॉन एम प्लस एन वाई वाई एक्स. एंड डी वनली वाई वाई एक्स. एंड ऑप्शन ई माइनस वाई वाई एक्स. अब क्या करेंगे, अब बच्चे क्या देखते हैं, बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन क्या रेज होता है, उनके दिमाग में रेज होता है कि अरे यार ये जो पार्ट हमारे पास बन रहा है, ये तो इंटरसेक्शन फार्मूला है. इट इज जस्ट यूज लाइक ए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंटरसेक्शन फार्मूला. इंटरनल सेक्शन है, तो यहाँ पे पहले कहा यहाँ माइनस हो प्लस हो से फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्या है. इन बातों से कतई मतलब नहीं है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस रखो माइनस रखो मतलब नहीं है. और जल्दी देखो तो इस क्वेश्चन में सिमेट्री क्या है, यहाँ एक्स का ऑप्शन 2 था, y का ऑप्शन 3 था. मैंने कहा इट डजंट मैटर द कोएफिशिएंट ऑफ x और y, ओके, इट डजंट मैटर व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x और y, इट डजंट मैटर. सो आंसर इज y / x जब भी होमोजेनियस होगा. यहां देखो x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट आपस ये आ गया और y का कोएफिशिएंट आपस ये आ गया. ये y का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है. सो आंसर इज ओनली y / x, इट इज योर आंसर. ये तरीका है, ये क्वेश्चन को करने का तरीका है. जो क्वेश्चन आपको लगता था काफी लेंदी है, उसे शॉर्टकट करने का तरीका हो गया दिस. इसलिए हमने कहा दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ होमोजीनियस इम्प्लिसिट फंक्शन. थैंक यू माय डियर, अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा तो आप मेरे YouTube को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू. ओके, बाय बाय, टेक केयर, और जस्ट एंजॉय विथ मैथमेटिक. जस्ट वी आर हियर to play with math. Thank you. Bye-bye. Take care.